क्या फाइंड आउट करना था टाइम टेकन व लाइट रेस टू क्रॉस दस स्लैब डायग्राम से समझते हैं तो पे हमने अपना डायग्राम बना लिया इस डायग्राम में एक बार हमारे पास देखो एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस हमें क्वेश्चन में गिवन है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब वन पॉइंट फाइव मीटर ये हमें थिकनेस थी क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ग्लास स्लैब पे कोई रे आके फॉल होती है एट एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री तो मान लो तो इस पॉइंट पे यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे

तो लाइट हमारा रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है नॉर्मल की तरफ क्या होती है बेंड कर जाती है तो देखो यहाँ से ये या हमारा लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है और रिफ्रैक्शन एंगल हमें गिवन है कितना थर्टी डिग्री तो यहाँ देखो एंगल इंसिडेंट एंगल हमें गिवन है फोर्टी फाइव डिग्री और यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन एंगल हमें आर मान रखा उसकी है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है थर्टी डिग्री हमें क्या फाइंड आउट करना था फाइंड द टाइम टेकन बाई द लाइट रेज टू क्रॉस द स्लैब अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइट रे आई स्लैब पे गिरी कितना टाइम लगेगा फिर लाइट हमारा बाहर निकलेगी तो कितने टाइम तक लाइट हमारा अंदर रहेगी ये हमें फाइंड आउट करना था ग्लास लैब में या तो फिर उसको ऐसे भी बोल सकते थे कितने टाइम बाद लाइट बाहर निकलेगी ग्लास लैब से वो टाइम हमें कैलकुलेट करना था तो यहाँ पे देखो ग्लास लैब में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे से ग्लास लैब में लाइट ने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया देखो ए पॉइंट पे इंटर की थी बी पॉइंट पे लाइट ग्लास लैब से बाहर आ रही है तो एक्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास ए बी डिस्टेंस उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाओगे नाइनटी डिग्री हो जाएगा ए आर हमें गिवन था तो इस ट्रैंगल में देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट

ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इट मींस ग्लास स्लैब में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी x डिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी t डिवाइडेड बाई कॉस आर अच्छा r की वैल्यू 30 डिग्री गिवन थी पे वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास देखना थिकनेस t डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पे देखना t डिवाइडेड बाई रूट थ्री बाई टू कॉस थर्टी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू ऊपर चला जाएगा इट मीस जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो ग्लास स्लैब में लाइट ट्रेवल की थी उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टू टी बाई रूट थ्री यहाँ से टी भी आपको पता है आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे डिस्टेंस आ गया हमें अब वेलोसिटी चाहिए होगा कि लाइट हमारा जब ग्लास मीडियम में जाएगी किस स्पीड से ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे देखो हम स्नेल सकते हैं साइन आई, साइन आर। मैं लगा रहा सरफेस ए पे देखना साइन आई बाई तो है हमारे पास देखना म्यू टू डि क्या था हमारे पास देखो ग्लास जो मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन क्या था एयर का जहां पे लाइट जिस मीडियम से लाइट आके ग्लास मीडियम गिरी थी तो उसका क्या था एयर में लाइट ट्रैवल कर रही थी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा म्यू वन

तो आगे हमारे पास म्यू टू की वैल्यू देखो क्या होता है दैट मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही थी ग्लास मीडियम मैंने लाइट की स्पीड को विजी मान रखाई तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई अभी जब लाइट बाहर थी ग्लास स्लाइब पे नहीं गिरी थी कौन सा मीडियम था एयर तो यहाँ पे देखो एयर में हो जाएगा हमारे पास सी डिवाइडेड बाई अब एयर में जो स्पीड होती है थ्री इंटू मीटर पर क्या होता है इन सॉरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करोगे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर आ जाएगा हमारे पास सी बाई वी डिवाइडेड बाय यहाँ पे सी बाई वी ए की वैल्यू भी सी के इक्वल गिवन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमें गिवन है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट और ये क्या होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इट मीन साइन आई डिवाइडेड बाई साइन से आएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन की वैल्यू सी वेलोसिटी ऑफ

टूर चलाएगा ऊपर नीचे रोट टू से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा हमारे पास देखना रोट टू इज टू थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट डिवाइड बाई वी जी तो वीजी तो क्या था हमारे पास देखो जो लाइट ग्लास मीडियम में ट्रेवल कर रही थी उसकी स्पीड तो यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारे पास वीजी टू थ्री इंटू टेन टू द एट डिवाइडेड बाई रूट टू मीटर पर सेकेंड इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम आ गया थ्री इंटू टेन टू दावर एट डिवाइडेड बाई रूट टू हमें टाइम निकालना था हमें देखो ग्लास मीडियम में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी वो भी पता चल गया किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी वो भी पता चल गया तो टाइम का फॉर्मूला कितना होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो डिस्टेंस कितना था एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की थी वेलोसिटी ऑफ कैलकुलेट कर चुके हो दोनों को डिवाइड कर देना टाइम मिल जाएगा वेलासिटिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम वीजी था यहाँ से टाइम आ जाएगा एक्स की वैल्यू टू टी बाई रूट थ्री ऊपर मैंने कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाई वी जी यह आया था हमारे पास इसको डिवाइड करोगे थ्री इंटू टेन टू द पावर एट डिवाइडेड बाई रूट टू स्कोर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी ये पूरा टाइम ऊपर चला जाएगा टू टी बाई रूट थ्री और टी की वैल्यू हमें गिवन है टी क्या था थिकनेस ऑफ द स्लैब उसकी वैल्यू हमें गिवन है वन पॉइंट फाइव यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट टू इंटू वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई रूट थ्री यहाँ पे देखो इसको आ जाएगा रूट टू ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ गई इसको कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन है टू इंटू वन पॉइंट फाइव कितना होता है हमारे पास देखो थ्री इंटू आ जाएगा हमारे पास रूट टू डिड बाई यहाँ पर आ जाएगा थ्री इंटू रूट थ्री इंटू टेन टू दावर एट यहाँ पे इसको और हम सिप्पलफाई कर सकते हैं यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे हम रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखना ऊपर नीचे मैंने रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री रूट थ्री इंटू रूट टू पहले से था डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट यहाँ पे एक थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा ऊपर हमारे पास टी टू रूट टूट रूट थ्री इंटू रूट टू की वैल्यू आती है हमारे पास तो यहाँ से टाइम आ जाएगा सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ

दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर